वहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे में ये जो लुच्चे लफंगे होते हैं ना, इन सब चीज़ों का बहुत फायदा उठाते हैं। तो जो छेड़छाड़ चीजें होती है ना, वो बहुत छोटी होती हैं, बट शुरुआत वहीं से ही होती है। मैं तो यही कहूँगी कि हर लड़की में अपनी माँ बहन देखिए भैया। नमस्कार, तो बोलती बंद से मैं कल्पना वर्मा। यूपी में मिशन शक्ति चल रहा है। इस मिशन को लड़कियों की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए शुरू किया गया, लेकिन इसके इतर अगर बात करें यूपी में ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या रेप जैसी घटनाओं की, तो वो आंकड़े इतने ज्यादा है कि सुनकर रूह कांप जाती है। अभी बुलंदशहर में रेप पीड़िता की आत्महत्या की आग ठंडी नहीं हुई थी कि एक और रेप पीड़िता को आग लगा दी गई और उसकी मौत हो गई। तो चलिए यूपी में ही लड़कियों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है और उन्हें बाहर निकलने में कितनी सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। आइए बात करते हैं कि अगर भी छेड़छाड़ जैसी चीज हुई है आपके साथ। हाँ बिल्कुल हुई है, हाँ, और मोस्टली अमीनाबाद एरिया में हुई है, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे में जो लुच्चे लफंगे होते हैं ना, इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, तो आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट कमेंट क्या? वर्स्ट कमेंट तो अभी तक कुछ नहीं रहा ऐसा, नहीं। इन घटिया मन से तो लड़कों को अगर आप कुछ सीख देना चाहें तो आप क्या कहेंगे? सीख मैं ये देना चाहूँगी कि अगर हर लड़का हर लड़की को, मतलब बहन ना भी समझे, बट एक फीमेल की तरह, एक वुमेन की तरह अगर उसके रिस्पेक्ट करे, और सब ऐसे ही सोचे कि भाई ये हमारी फैमिली के जैसे हैं, तो ये जो इतना करप्शन चल रहा है इस समय, वो चीज़ें ना हो और हमारी सिटी, मतलब हर सिटी बहुत सेफ हो जाए। तो आप कभी छेड़छाड़ जैसी घटना हुई? ऑफकोर्स, ये मेरे मोहल्ले में ही हुई है। मतलब अक्सर हम लोग बाहर निकलते हैं, कॉलेजेस कराए, स्कूल वगैरह, तो जैसे मैं नवयुग की पढ़ी हूँ, नवयुग कन्या, तो वहाँ पर भी अक्सर बाहर लड़के खड़े रहते थे, तो उसकी वजह से काफ़ी सिक्योरिटी भी हमारी प्रिंसिपल ने लगवाई, गार्ड वगैरह, और पुलिस थाने पे भी बताया कि आसपास पूरा। आपके साथ हुआ था? मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, और आप जानते हो नॉर्मल अगर लड़कियाँ निकलती हैं कॉलेज से तो लड़के खड़े रहते हैं, तो मतलब उसकी वजह से काफ़ी शिकायतें हुई, तो ये नॉर्मल हो गया। आप केसेस देखते हो, मतलब हर कोई जानता है कि इंडिया में नहीं, हर जगह केसेस ऐसे आ रहे हैं। आप काफ़ी हद तक सेफ ही महसूस करते हैं, क्योंकि घर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाहर जाते हैं तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई रोक टोक करता। अभी छेड़छाड़ जैसी कोई घटना हुई है आपके साथ? हुई है, तो इतनी ज़्यादा हम लोग मतलब खुद जागरूक हो चुके हैं कि हम लोग खुद ही उसको अवॉइड कर देते हैं। हुई है, तो आज तक अगर पूछा जाए कि आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट या कमेंट क्या रहा है इस छेड़छाड़ को? वो एक्चुअली एक बार कभी मतलब ऑटो में, जैसे हम कॉलेज जा रहे थे, तो उस टाइम मतलब होते नहीं है बड़े उम्र के लोग, वो कमेंट करते हैं या टच करते हैं गंदा, वो वही था। इसलिए ऐसे घटिया लोगों के लिए अगर आप उन्हें एक सीख देना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि हर लड़की में अपनी माँ बहन देखिए भैया। हम तो हैं दूसरों की बहन, आपकी भी बहन है, हम भी करवा सकते हैं ऐसा। मैम, आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आई है छेड़छाड़ जैसी? हाँ, स्कूल टाइम पे होता था, जैसे वॉल टीजिंग करते थे बच्चे और जो क्लासमेट्स जैसे रहते थे स्कूल के, और जैसे जैसा कि बताया कि जैसे हम ऑटो वगैरह में जाते हैं, तो अधिकतर नॉर्मली जो यूथ होता है उनसे ज़्यादा जो एजड लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये सारा चीज़ ज़्यादा होता है कि जैसे बैड टच कर लिया, या फिर आप बैठे हो तो से पास में ऐसे आने लग जाते हैं, और यूथ में वो केवल ऐसे टीजिंग कर दिया या कुछ कर दिया, बट उतना नहीं करते, बिकॉज उनको पता होता है कि हम अभी इस टाइम इतना जागरूक हैं कि हम वो पिटवा दे देंगे उनको। हाँ, अच्छा, तो सबसे वर्स्ट मोमेंट या कमेंट अगर बात की जाए तो क्या रहा है छेड़छाड़? सर, टीजिंग ही रहा है अभी तक, तो वैसे कोई इतना करता नहीं है। हाँ, तो ऐसे लोगों को अगर आप सीख देना चाहें तो क्या कहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि मतलब अगर आप अपने घर पे लोगों को सेफ निकालना चाहते हो, कि आपके घर के मतलब बहन, आपकी मम्मी लोग सेफ निकले, तो आप दूसरों को भी उसी नज़र से देखो कि भाई बाहर निकल रहे हैं दूसरे, तो आपके घर वाले भी बाहर निकल रहे हैं, आप अगर बोल रहे हो तो कोई और दूसरा भी उनको बोल सकता है। तो आपके साथ छेड़छाड़ जैसी कभी घटना हुई है? छेड़छाड़ नहीं, बट ऑटो में कई बार ऐसा हुआ है कि अनकंफर्टेबल लग रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, तो ये चीज़ें गलत होती है ना, कि कहीं पे भी देखो। तो सबसे वर्स्ट मोमेंट या कमेंट क्या रहा है आपकी लाइफ का अभी तक का? ये हुआ था कि एक बार रास्ते में मैं जा रही थी, तो एक लड़का क्या किया था, वो आके मतलब वो मेरे बैग को टच करा था। हाँ, तो सबके सामने ऐसा किया, फिर भी किसी ने कुछ कहा नहीं, मतलब उसने मेरे पकड़ने की कोशिश की, तो
मैं स्कूटी से थी उस टाइम, तो मैं मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था उस टाइम, कोई नहीं आया था उस जहाँ मैं स्कूटी से थी, तो क्या हुआ था मेरे सिर पे उसी की चोट लगी हुई है, मुझे नॉट आगे लगे थे, आगे जाके मैं गिर गई थी, वो नहीं की क्योंकि थोड़ा डर था घर वालों का कि निकलना बंद करवा देंगे। ये बताइए कि आपके साथ कभी छेड़छाड़ जैसी कोई घटना हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है, हुई है। एक बार मैं एक्चुअली जा रही थी मौया पुल के ऊपर से अपनी स्कूटी से, तो उसके पीछे लड़कों ने फॉलो किया लाइक कार से, उसके बाद बहुत ही गलत लैंग्वेज में बोला भी, तो मेरा घर पासी में है, तो मैं फिर पुल के नीचे से गई, तो यहाँ पे मुझे लखनऊ में मुझे लगता है कि 7 बजे के बाद भी ऐसी चीज़ें होती हैं, 6 से 7 के बीच में ये चीज़ें होती हैं जिसमें सेफ नहीं है लड़कियाँ। छेड़छाड़ को लेकर आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट या कमेंट अगर पूछा जाए तो वो क्या है? क्या बोलूं कि मतलब यही है कि सिक्योरिटी नहीं है किसी भी तरह की अभी भी, मतलब गर्ल्स को ये है यहाँ पे कि आप जहाँ 5 बजता है या 6 बजता, उसके बाद सेफ्टी नहीं रहती है, सिक्योर तो वैसे डेट में भी नहीं है क्योंकि लोग अब्यूजिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। अगर हम लोग भी थोड़ा सा भी वेस्टर्न ड्रेस पहन के जाते तो लोगों की बहुत ही फर्स्ट कमेंट क्या रहा है आपकी लाइफ का छेड़छाड़? बहुत सारे कमेंट्स हैं, क्या बोलें कि वो लैंग्वेज यूज़ करना मेरे ही लिए गलत होगा, मैं उस लैंग्वेज को बोलूँ तो कैसे बोलूँ, इतने गंदे कमेंट्स होते हैं। तो आपके साथ कभी छेड़छाड़ हुई है? हाँ काफ़ी टाइम लोग मतलब कमेंट्स कर देते जाते टाइम। अच्छा तो आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट कमेंट क्या रहा? वर्स्ट कमेंट तो नहीं बता सकते लेकिन एक्शंस भी करते हैं लोग वर्स्ट। तो इस तरह की जो घटिया मानसिकता वाले लड़के होते हैं, अगर आप उन्हें एक सीख देना चाहें अपने स्टाइल में तो उनसे क्या कहेंगे आप? अपने स्टाइल में तो मैं बस यही चाहूँगी कि थप्पड़ लगा दूँ उनको सामने से ही वही एक लेसन हो जाएगा उनके लिए। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि छेड़छाड़ जैसी? काफ़ी टाइम बार हुआ है लेकिन क्या कर सकते, कुछ कर तो सकते नहीं हम, क्योंकि ये है ही सोसाइटी ही ऐसी है कि कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, सारे लड़कियों की ही गलती निकालते हैं हमेशा, तो इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट कमेंट अगर पूछो? कमेंट ऐसे कुछ याद तो नहीं है, हाँ बट वो ये एक्शन लोग ज़्यादा ही करते हैं तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, इग्नोर मारते हैं हम ज़्यादा। तो जो लड़के ऐसी हरकत करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए यही कहना चाहेंगे अगर एजुकेटेड इतने होते हैं तो वो करते ही नहीं ऐसा, बट उनको वही है कि समझना चाहिए कि उनकी भी सिस्टर्स हैं, बट वही है कि लेकिन इनको समझ ही नहीं आता। तो लड़कियों ने तो बता दिया, अब इस वीडियो पर आपका क्या है कहना हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियोस के लिए देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब हर मुद्दे पर देश बोलेगा।